वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां टोल कंपनियों की मनमानी के चलते अब वाहन चालकों की जेब ढीली होनी शुरू हो गई है। आज से टोल कंपनियों ने 5 से 20 रुपए तक टोल के रेट बढ़ा दिए हैं। हमारे संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। आज से टोल दरें बढ़ गई हैं और हम हैं रोहतक से पानीपत हाईवे पर। आप देख सकते हैं कि ये मकडोली टोल है। यहाँ पर अब जो जाने वाले वाहनों को अब टोल टैक्स ज्यादा देना होगा, क्योंकि आज रात से 5 रुपए से 20 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि टोल दरें बढ़ गई हैं, उससे आम आदमी को कितना नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान है जी। गाड़ियां कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, बचाओ भाई हो जी। कोच मकडोली गए, कोच सुमारिया गए, बहुत ज्यादा नुकसान है जी। टोल बचाने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, टोल बचाने के लिए बिल्कुल। यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही बिल्कुल ही, बिल्कुल गाड़ियाँ में इतना नुकसान हो रहा है, यहाँ टोल सबसे ज्यादा महंगा है। और दरें बढ़ी हैं तो आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? आम आदमी के जेब पर बिल्कुल बुरी हालत हो रही है जी, बिल्कुल काम चलना भारी हो रहा है, भूखे मरने के हाल हो रहे हैं। महंगाई भी बढ़ रही है इससे? महंगाई तो बढ़ रही है जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा। डीजल भी 90 भी है जी, देख लो के सवारी ले रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक युवक और है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से टोल दरें बढ़ी हैं, उससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? आम आदमी का पैसा ज्यादा बर्बाद होगा और महंगाई बढ़ रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से टोल दरें बढ़ी हैं, उससे महंगाई जो है साफ तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि अब जिस तरह से टोल भाड़ा बढ़ा है, उससे बड़े वाहन जो हैं वो चालक यहां से गुजरेंगे, और वाहन चालक जो अपना यहां से वाहन लेकर गुजरेंगे तो वो जो सामान यहाँ से गुजरेगा उसका किराया भी ज़्यादा लगेगा, और वो जो है यहाँ से जाने के बाद जब किसी इंडस्ट्री में जाएगा या किसी गोदाम में जाएगा और किसी मालिक के पास जाएगा, तो उसके बाद वो भाड़ा जो टैक्स जो लगेगा वो वहीं से वसूलेगा। ऐसे में लोग साफ तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसी को देखते हुए काफ़ी लोग परेशान थे और उसी को देखते हुए महंगाई लगातार बढ़ रही थी, और अब ऊपर से जो है टोल दरें बढ़ रही है। ये लाइट कोई नहीं जल रही यहाँ पे, टोल की कोई लाइट नहीं चलती है, टोल बकरी रोडों में खड़े हुए पड़े हैं, तो ये तो लूटने वाली बात हो रही है टोल वालों की सब। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो टोल बढ़ता है उससे आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जो टोल कंपनियां हैं वो पैसा तो वसूलती हैं लेकिन सुविधाएं कम देती हैं। तो ऐसे में अब जो है लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये टोल जो दरें बढ़ी हैं, अगर यहाँ की बात करें तो 5 रुपये से 20 रुपये तक की टोल दरें बढ़ी हैं। तो ऐसे में जो है लोग अब ये साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि जो टोल दरें बढ़ी हैं उससे उनकी जेब पर असर पड़ने वाला है और महंगाई बढ़ने वाली है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।